जय हिंद वंदे मातरम साथियों, वेलकम है आप सभी का विजयपथ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। शाम के 8 बज चुके हैं और आप हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए। क्लास 11th हमारी रहेगी, जिसमें आज हम फिर से एक और प्रैक्टिस सेट लगाएंगे स्टैटिक जीके और मैथ का, जिसमें डिफरेंट टाइप के हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन साथ में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपके लिए रहते हैं। जल्दी से एक बार इस इवेंट को शेयर आप ज़रूर कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने विजयपथ ऐप डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर से, आप उसको डाउनलोड कीजिए। साथ में जितने हमारे पेड कोर्सेज हैं, फ्री क्लासेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, स्टोर जिसमें आपको हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो भी हमारे लाइव इवेंट हैं उनको जो है आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो शाम के 8 बज चुके हैं, लाइव हम आपके सामने आ चुके हैं। क्लास 11th आपके लिए रहेगी स्टैटिक जीके एंड मैथ की, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, बेहतरीन सेशन आपके साथ। डेली टू डेली हमारा ये रहता है, जिसमें राजीव भारद्वाज डेली हमारे साथ जुड़ते हैं और डेली जो भी हमारे क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं उनको जो है वो रिप्लाई करते हैं, कमेंट करते हैं। आई होप आपकी भी प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी अच्छी चली है। जल्दी ही हमारा एक सीट एट का नया बैच जो है वो लॉन्च होने वाला है, जिसमें आपको पेड कोर्सेज में डिफरेंट सब्जेक्ट की क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। हमारी टेस्ट सीरीज के ऊपर उसका काम जो है वो स्टार्ट है। आप ऐप के ऊपर हमारी टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं, जिसमें हमने अभी नॉन मेडिकल का जो है वो काम लगभग कवर अप कर दिया है, नॉन मेडिकल स्ट्रीम का। उसके बाद बाकी स्ट्रीमों के ऊपर भी हमारा फोकस है। और अभी तक अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फर्स्टली ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, चेक कीजिए कि कितना मटेरियल आपको वहां पर जो है वो दिया जाता है विजयपथ एजुकेशन के द्वारा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शाम के 8 बजे डेली हम आपके साथ यहां पर लाइव आपके साथ जुड़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, इन विच इंडियन रीजन देयर आर 24 तीर्थकर्स, इनमें से किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। पहले भी आपसे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, आंसर शेयर कीजिए जल्दी से। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। थोड़ा सा फास्ट सेशन आज का आपका ये रहेगा, क्योंकि मैं कमेंट आज रीड नहीं करूंगा, डायरेक्ट यहां पर जो है वो आंसर शेयर करूंगा आपके साथ। तो 24 तीर्थकर किस में हुए थे, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थक हुए थे, 24 हुए थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। और इसमें से आपको 24 में तीर्थकर का नाम जो है वो पता होना चाहिए, महावीर स्वामी को जो है वो 24 में तीर्थकर के नाम से जो है वो जाना जाता है, और पार्श्व देव को जो है वो किससे जाना जाता है, उनको जाना जाता है 23 में से, किससे जाना जाता है, 23 में से जाना जाता है, ठीक है जी। अच्छा, तीर्थकर को है बीतराग के नाम से भी जानते हैं, ये पहले भी मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया है, बीतराग के नाम से भी किसको जानते हैं, तीर्थकर को ही जानते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था। तो आपको बताना है कि भगवान महावीर जो थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए थे महावीर स्वामी, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में। तो आपको ये पूछा गया है कि वो वैशाली नामक जो जगह है वो वर्तमान में किस राज्य में पड़ती है, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर बिहार। तो 540 ईसा पूर्व में जो है वो उनका जन्म हुआ था, 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और 12 साल जो है वो उन्होंने एक रिजु पालिका नदी के किनारे बैठकर जो है वो उन्होंने साल के वृक्ष के नीचे जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया था, और उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। लेकिन इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था कुंड ग्राम में, और कुंड ग्राम कहाँ पड़ता है, आपका पड़ता है बिहार में। राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस राजवंश के राजा थे। आपको बताना है कि जो राजा अशोक थे वो किस वंश से संबंध रखते थे, प्रद्योत, हर्यक, मौर्य या फिर नंद वंश। जल्दी से आंसर शेयर कीजिए हमारे साथ, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, अशोक किस राजवंश के राजा थे। अशोक जो थे वो सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य साम्राज्य के क्या थे, एक महान शासक हुए थे। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। इन्होंने जो है वो बांग्लादेश से लेके अफगानिस्तान
स्थान तक जो है वो लगभग पूरा का पूरा शासन जो है वो इनके द्वारा किया गया था। एक महान सम्राट के रूप में भारत में जो है निखर कर ये आए थे। अगला प्रश्न है, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर में भी ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है, वहां से भी आप इसका नॉलेज जो है वो ले सकते हैं। चाणक्य को अन्य किस नाम से जानते हैं? राजशेखर, तेजस्वी, कौटिल्य या फिर वात्स्यायन? आंसर शेयर कीजिए क्या इसका राइट आंसर है। देखिए चाणक्य के कितने नाम है? तीन नाम है। चाणक्य के कितने नाम? तीन नाम। जैसे कि आपका कोई नाम है, जैसे हमारे साथ डेली जो है वो कौन जुड़ते हैं? राजीव भारद्वाज जी जुड़ते हैं, ठीक है। वो जो अब उनका नाम है, वो नाम है उनका स्कूल में, ठीक है जी, स्कूल के सर्टिफिकेट में उनका नाम क्या है वही चलता है। अब घर में जो है उनको किसी और नाम से बुलाते हैं, ठीक है, उनके फ्रेंड्स उनको किसी और नाम से बुलाते हैं, लेकिन आदमी कितने हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है। तो उसी प्रकार से चाणक्य जो है उनके तीन नाम थे, आदमी कितने थे वो एक ही पर्सन थे, लेकिन उनको अलग अलग फील्डों में जो है वो तीन नए नामों से जाना जाता था, जिसमें चाणक्य का जो चाणक्य थे उनका जो दूसरा नाम था वो था कौटिल्य, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, और तीसरा नाम था उनका विष्णुगुप्त। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों के तीनों एक ही व्यक्ति हैं, और ये मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु जो थे वो रहे थे। इन्होंने जो है वो अर्थशास्त्र की जो है वो रचना की थी। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने हाइड स्पीड के युद्ध में किसको हराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, सिकंदर ने हाइड स्पीड के युद्ध में किसको हराया था? 326 ईसा पूर्व झेलम नदी में, जम्मू साइड जो हमारी नदी चलती है झेलम नदी, वहां पर ये युद्ध हुआ था, और किसके राजा को हराया था? तो राजा पोरस को जो है हराया था। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। मैंने कब बताया युद्ध कब हुआ था, आपने ध्यान से सुना नहीं, 326 ईसा पूर्व। जो चीज आपको यहाँ पर बताई जाती है उसको थोड़ा सा जो है वो मेंटली प्रिपेयर होके जो है वो सुना कीजिए। 326 ईसवी पूर्व झेलम नदी के किनारे जो है वो ये युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? पहला हूण आक्रमण कब हुआ था आपको बताना है, 358 में, 458, 558 या 658? ऑप्शन आपके सामने दिए गए। हूण जो है वो एक मध्य एशिया की क्या थी, एक जाति थी, और इन्होंने 458 में, 458 में जो है वो क्या किया था, उत्तर पश्चिम भारत पर अपना पहला आक्रमण जो है वो शुरू किया था, और मथुरा से जो है वो हूणों के सिक्के भी जो हैं वो प्राप्त हुए थे। ये क्वेश्चन भी हिस्ट्री में पूछा जाता था, इन्होंने पहला आक्रमण भारत में कब किया था, 458, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एस्टेब्लिश विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बाय विच किंग? ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? बिंबिसार, अशोक, धर्मपाल या फिर चंद्रगुप्त वन? जल्दी से आंसर शेयर कीजिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला है कहाँ पर, पता होना चाहिए आपको, कहाँ पर है, बिहार में है। काफी फेमस यूनिवर्सिटी ये रही थी, बिहार राज्य के भागलपुर जिला जो है वहां पर ये रही थी, और इसको जो है वो पाल वंश के शब्द से एक राजा हुए थे, पाल वंश के कौन से राजा हुए थे, राजा धर्मपाल, सबसे फेमस शासक, महान शासक हुए थे पाल वंश के राजा धर्मपाल, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, और पाल वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था गोपाल। पाल वंश जो हुआ उसके संस्थापक गोपाल, उसके बाद गोपाल जी की मृत्यु हो गई, नए शासक आए, उनके बाद एक नए शासक और आए धर्मपाल, उन्होंने बिहार में भागलपुर जिले में किसकी स्थापना की, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की जो है वो स्थापना की, ठीक है। बौद्ध शिक्षा के लिए जो है इसको प्रमुख केंद्र जो है वो माना जाता था, जिसमें से तीन मुख्य विश्वविद्यालय कौन से थे, पता होना चाहिए आपको, नालंदा यूनिवर्सिटी, बल्लभी यूनिवर्सिटी, और थर्ड जो ये वाली है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये तीनों की तीनों जो है वो किसके लिए है, बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहती है। अगला प्रश्न है, जब हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुषों को शक या फिर शाका नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो उनकी अंतिम लड़ाई थी, जिससे वे वापिस नहीं आ सके। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो राजा होते थे, ठीक है, कौन से ऐसे राजा थे, कौन सा ऐसा उनका
कौन सा ऐसा उनका रीति रिवाज था जिसके अकॉर्डिंग जब उनकी हार हो जाती थी तो उनको एक यज्ञ करना पड़ता था, अनुष्ठान करना पड़ता था। ठीक है, उनकी वो अंतिम लड़ाई है जिससे वो कभी भी वापस जो है वो नहीं आ सकते। तो ये किसके द्वारा जो है वो किया जाता था, ये आपको बताना है कि इसका मुख्य रूप से क्या एक मेन मोटिव था। भारतीय संस्कृति में इसको जो है एक बलिदान का प्रतीक जो है वो बताया जाता था कि अगर हमारी हार निश्चित हो गई है तो हम जो है वो वहाँ से वापस नहीं आएंगे, उनके लिए एक यज्ञ या अनुष्ठान जो है वो करवाना पड़ता था। मुख्य रूप से किसकी जो ये रीत थी तो ये थी राजपूतों की। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। राजपूतों के द्वारा जो है वो इसको काफ़ी मुख्य रूप से एक रीति रिवाज में माना जाता था। उनकी एक संस्कृति थी जिसमें बताया जाता था कि यदि वो अगर हार गए हैं तो उनके लिए जो है वो एक भारतीय संस्कृति में एक बलिदान का प्रतीक जो है वो एक यज्ञ के रूप में जो है वो करवाना चाहिए। ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न पहले भी करवाया है मैंने, मोहम्मद गोरी को 1191 में एक शासक ने हराया था, उस शासक का नाम क्या था, गाढ़वाल, चालुक्य चौहान या फिर मौर्य। जल्दी से आंसर कीजिए। देखिए पूरा नाम नहीं बताया गया है, पिछले कल भी मैंने आपको बताया था कि 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। तो देखिए मोहम्मद गोरी और 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान को क्या मिली, जीत मिली और मोहम्मद गोरी को हार मिली। देखिए पहला युद्ध कब हुआ, 1191 में। ठीक है, किसके किसके बीच में ये हुआ, गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें गोरी को क्या मिली, गोरी को हार मिली और जीता कौन, विनिंग पे कौन रहा, पृथ्वीराज चौहान। जब दूसरा युद्ध हुआ 1192 में तो पासाब जो है वो पलट गया, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें गोरी को जीत मिली और पृथ्वी को क्या मिली, हार मिली। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान। मैंने पहले बता दिया पूरा नाम नहीं बताया गया है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है, इनमें से कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल है जो चोल एम्पायर टेम्पल को समर्पित है, विरूपाक्ष मंदिर, बादामी गुफा, चनाकेश्वर मंदिर, इरा बेतुश्वर मंदिर। ऑप्शन शेयर कीजिए क्या इसका राइट आंसर है, जो एक चोल साम्राज्य से जो है वो संबंधित रखता था। ये जो है हिंदू मंदिर है एक, और ये भगवान शिव को जो है वो समर्पित है, तमिलनाडु में ये स्थित है। क्या नाम है इस मंदिर का, ये है इरावतेश्वर मंदिर, भगवान शिव के लिए समर्पित है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में ये स्थित है। 12वीं सदी में राजा चोल द्वितीय के द्वारा जो है वो इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है, ये आपको पता होना चाहिए, क्लास 10th में जो आपका पहला चैप्टर है शायद या दूसरा चैप्टर है, एसिड बेस वाला है शायद, वहां पर ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, विच इज द फेमस रस्ट रेजिस्टेंस आयरन पिलर लोकेटेड, प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधी लोह स्तंभ कहां पर है। देखिए लोह स्तंभ कौन सा जिसके ऊपर कभी भी जंग नहीं लगता है, कहां पर स्थित है, आंसर शेयर कीजिए कहां पर है, दिल्ली में है। अगर आप में से अगर कोई दिल्ली गया है तो उन्होंने ये जो है वो देखा होगा, कुतुब मीनार के साइड में ही जो है इसकी स्थापना की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसमें लगभग 98% जो है वो क्या है, लोहा है, लेकिन इसके ऊपर कभी भी जंग जो है वो नहीं लगता है, कभी भी जंग जो है वो नहीं लगता है। इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था, राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो है वो इसका निर्माण करवाया था, और ये पहले हिंदू और जैन मंदिर का हिस्सा हुआ था, जिसके बाद 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो इसे नष्ट करके कुतुब मीनार की स्थापना की और इस स्तंभ को जो है वो साइड में स्थापित किया गया, जिसमें 98% क्या है, लोहे की मात्रा है। अब इसमें जंग क्यों नहीं लगता है वो थोड़ा सा लॉजिकली आप साइंस के माध्यम से हमें जो है वो कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासक काल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आप सभी जानते हैं, लेकिन किसके शासन काल में हुआ था, 5वीं सदी में बनाई गई थी ये चीन की दीवार, और हम सभी जानते हैं लॉजिकली हमने पढ़ा है कहीं ना कहीं पर कि अगर मून से कोई चीज दिखती है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखती है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लेकिन नहीं, वो मून से नहीं दिखाई देती, वो जब हम थोड़ा सा स्पेस से ऊपर चले जाते हैं, जब हम अपनी 5 लेयर जो हमारी एटमोसफियर की हैं जब उसके आसपास जाते हैं,
फोर्थ या फिफ्थ तक, तब तक जो है वो हमें दिखाई देती है। लेकिन अगर चांद से बात करें तो चांद से तो हमें पूरी की पूरी जो गेटवे जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो तो हमें नहीं दिखाई दे सकती। तो किसने किया था? चीन राजा हुए थे, एक चीन राजवंश के शासनकाल में जो है वो चीन की ग्रेट वॉल का जो है वो निर्माण करवाया था। इस सीमा पर जो मंगोल थे, राजा थे, उनका आक्रमण को रोकने के लिए जो है ये काफी ऊंची दीवार जो है वो चाइना में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? आप सभी जानते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था, 1914 में जो है वो पहला युद्ध ये हुआ था और 1918 तक चला था। 1918 में ये पहला युद्ध जो है वो खत्म हो गया था। अगर आपने अभी तक विजयपथ ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, चेक कीजिए कि किस प्रकार से विजयपथ एजुकेशन आपके साथ रहता है, कितना मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हर बार आपको जो है वो प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है आपका, वर्ल्ड वॉर टू कब स्टार्ट हुआ था? पहला मैंने आपको बताया 1914 से लेके 1918 तक जो है वो पहला विश्व युद्ध चला था। दूसरा कब हुआ था? दूसरा चला था 1939 में, सेकंड जो है वो चला था 1939 में, 1939 से 1945 तक जो है ये चला था। दो ही विश्व युद्ध जो है वो हुए थे। और तीसरा जो है आप मान के चल सकते हैं, जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है ये लगभग पूरी कंट्री के लिए या पूरे विश्व के लिए जो है वो लगभग तीसरा विश्व युद्ध ही आप इसको मान के चल सकते हैं। तो 1939 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू द बैटल ऑफ कोहिमा एंड इम्फाल वर फाउट इन द एयर। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब दूसरा युद्ध हुआ था पूरे विश्व में, कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? अब इसका मतलब है कि 1939 से लेके 1945 तक दूसरा युद्ध हुआ था, इसके बीच में ही कोहिमा और इम्फाल की क्या है, लड़ाई हुई है। अब किस वर्ष हुई थी? वो हुई थी 1944 को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर रहेगा। इस युद्ध में जो है वो आजाद हिंद फौज और जापानी सेना ने जो है वो भाग लिया था। ठीक है जी, ऑप्शन ए 1944 में ये युद्ध जो है वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन बने थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वही भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे, यानी कि ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर है। आप इनके नाम से ट्रिक कैसे याद रखते हैं, तो विदेश मंत्री का मतलब है जो हमारे देश से क्या करे, बाहर जाए, यानी कि विदेश में जाए, कहाँ जाए, हमारे देश से बाहर जाए, बाहर से क्या बन जाएगा, बाहर से बन जाएगा जवाहर। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे क्या वो क्या थे, पहले विदेश मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस यानी कि जिस दिन संविधान हमारा बना था, कब बना था? ये बना था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो है वो संविधान बना था और 26 जनवरी 1950 को इसको पूरे भारत में लागू किया था। तो इसी कारण से जो है वो जिस दिन संविधान बना था 26 नवंबर को, उसी दिन हम संविधान दिवस जो है, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया को जो है वो हम मनाते हैं। इसको संविधान दिवस के साथ साथ जो है वो विधि दिवस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? देखिए जो संविधान सभा के चुनाव हुए हैं वो कुछ अलग हैं, लेकिन जो आम चुनाव हुए थे लोकसभा के वो तो आपके हुए 1951 और 52 में, मतलब कि जिसमें आपकी क्या बनी, एक राजनीतिक पार्टी बनी, जिसमें आपके प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल है वो चुना गया। लेकिन संविधान सभा के भी चुनाव हुए हैं, तो ये किस वर्ष हुए थे ये आपको बताना है। भारत में पहली बार जो हुए हैं 1946 में हुए हैं, 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें 296 सदस्य थे। टोटल कितने थे? 296 सदस्य जो थे वो उन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था। ठीक है जी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा भारत की संसद का कौन सा गृह है? लोकसभा इज द डैश हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कौन सा है, निचला है या फिर ऊपरा है, लेफ्ट और राइट जो हम इसमें से काट ही देते हैं, तो या तो उसको निचला सदन बोलते हैं या तो उसको ऊपर वाला सदन जो है वो बोला जाता है। लोकसभा जो है वो एक टेम्परेरी हाउस है हमारे पार्लियामेंट का, तो इसको जो है वो निचला सदन के नाम से, लोअर
हाउस के नाम से जानते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से हम जानते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का, बेहतरीन सेशन आपके साथ आज का भी ये रहा है। पार्लियामेंट कंडक्ट हाउ मेनी सेशंस इन ईच ईयर, संसद प्रत्येक वर्ष कितने सत्र आयोजित करवाती है। देखिए हमारा जो संसद भवन है यानी कि लोकसभा, ठीक है, मुख्य रूप से, तो उसमें कितने सेशन जो है वो बुलाए जाते हैं, या फिर अगर हम विधानसभा की बात करें तो उसमें भी कितने सत्र बुलाए जाते हैं। मुख्य रूप से 3 सत्र होते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। कौन कौन से हैं, पहला जो है वो रहता है हमारा बजट सत्र, जो कि जिसके ऊपर सभी की निगाहें रहती हैं, ये फरवरी महीने में जो है वो दिया जाता है और फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको जो है वो बताया जाता है। उसके बाद एक रहता है मानसून, जो कि जब बारिश का मौसम रहता है यानी कि जुलाई अगस्त के आसपास आप इसको रख सकते हैं। और एक रहता है शीतकालीन, शीतकालीन शीत वाला कौन सा, जिस टाइम पे सबसे ज्यादा ठंड रहती है, नवंबर और दिसंबर के महीने में। ठीक है, तो 3 सेशन रहते हैं, बजट, मानसून और शीत सत्र। तो ये संसद के अकॉर्डिंग जो है वो इसको हैंडल किया जाता है। मुख्य रूप से 3 सत्र इसके रहते हैं और विधानसभा में भी इसी चीज को जो है वो फॉलो किया जाता है। आई होप आपको आज की क्लास काफी अच्छी लगी। डेली हिंदी इंग्लिश में करंट अफेयर और न्यूज़पेपर पाने के लिए आप विजयपथ एजुकेशन के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहां पे डेली आपको हिंदी और इंग्लिश बायलैंगुअल लैंग्वेज में करंट अफेयर, साथ में लोकल न्यूज़पेपर हिमाचल के और इंग्लिश न्यूज़पेपर जो कि आपकी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो आपको डेली टू डेली मॉर्निंग में आपको भेजे जाते हैं। अगर अभी तक आपने विजयपथ ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली टू डेली जो हमारी शाम 8 बजे क्लास रहती है उसकी PDF और वीडियो जो है वो आपको एक ही जगह देखने को मिल जाएगी। हमारे फ्री कोर्सेज में, फ्री क्लासेस में आपको वो देखने को मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। साथ में अगर आपको कोई बुक परचेज करनी है तो भी आप इस ऐप के माध्यम से अपने लिए जो है वो बुक परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, बेहतरीन लगी, प्रैक्टिस करते रहिए और साथ में थोड़ा सा बारिश के साथ बचकर रहिए। हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर जो है वो बारिश से हुआ है, बारिश से थोड़ा सा आप बच के रहिए। तो प्रैक्टिस आप साथ साथ में करते रहें, क्योंकि 100% आपको सक्सेस तभी मिल पाएगी जब आपकी प्रैक्टिस में, आपके हुनर में, आपके स्किल में, आपके टैलेंट में 100% आप जब जो है वो उसके लिए देंगे। आपके पास 100% आपने अगर अपने एग्जाम के लिए दिया तभी आपको 100% आपको सक्सेस मिल जाएगी। 100% इसलिए बोला है क्योंकि कई बार 99.9% अगर आपको जॉब मिल गई है तब भी आपको जो है वो आपके हाथ में जब तक ज्वाइनिंग लेटर या आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हो जाती, ज्वाइनिंग लेटर की भी बात मैं छोड़ देता हूँ हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल में एक एग्ज़ाम आपका ऐसा हुआ है जो अभी 2 साल पहले या पिछले साल की अगर आप बात कर लें, हिमाचल पुलिस का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम हुआ है जिसमें हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के पास ज्वाइनिंग लेटर आ गए थे, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, ज्वाइनिंग लेटर आ गए थे, उनके घर में खुशी का माहौल था, लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट ने उनके पेपर को कैंसिल कर दिया। मतलब आप ये मान सकते हैं कि जब तक आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक आप अपनी जॉब को सक्सेस नहीं मान सकते। तो 100% सक्सेस तभी मिलेगी जब आपकी तैयारी में, आपके हुनर में, आपके टैलेंट में 100% जान होगी। विजयपथ एजुकेशन के साथ आप बने रहें, डेली शाम 8 बजे हमारी क्लास आपके लिए मैं लेके आता हूँ, उसके साथ आप बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। जल्दी ही एक नई क्लास के साथ मैं आपसे मिलूंगा कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।